ये हमारे पास फ्रिज है और जो इसमें कस्टमर ने इसके अंदर चक्कू मार दिया था, जो इसके अंदर बहुत मोटी मोटी बर्फ़ जम गया था, तो कस्टमर ने इसमें चक्कू मार दिया था और चक्कू मारने से इसकी जो गैस है वो निकल गई थी और इसके अंदर कस्टमर ने इसके अंदर एमसील वगैरह से इसे चिपका दिया था, लेकिन ये फिर भी कामयाब नहीं है क्योंकि प्रेशर इसका बहुत तेज़ है। आज मैं बताऊँगा रिपेयर कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इसका जो फ्रीजर है इसको खोल के यहाँ से काट लिया था और मैं यहाँ न्यू फ्रीजर इसमें डालूंगा और आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जब न्यू फ्रीजर आएगा तो आपको ऐसा मिलेगा, तो सारी पाइपों को हल्के हाथ से इसको सीधा करना है और ध्यान रहे क्योंकि अगर आप हल्का सा भी इसको सावधानीपूर्वक नहीं करोगे तो ये मुड़ जाएगा और मुड़ने के कारण ये बैंड हो जाएगा और गैस का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हल्का हल्का सा सीधा करना है, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। जब ये सीधा आप करें तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथों से करें। अगर आपने इसमें जरा सा भी जल्दबाजी किया तो ये जो पाइप है वो बैंड हो जाएगा और बैंड हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आप ध्यान दें कि ये बैंड ना हो जाए और आप इसको हल्के हाथों से इसको करना है। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो सीधा हो गया है पूरी तरीके से, आप देख रहे हैं वीडियो में कि पूरी तरीके से जैसा हमें चाहिए था वैसा ये सीधा हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जो हमने पाइप जो पुराना वाला हमने फ्रीजर काटा था तो इसको हम पहले निकाल लेंगे जी सप्लाई, ये जो वाइट कलर का ही होता है इसके अंदर से ये पाइप होके जाता है। तो आपको नीचे से इसकी जो सक्शन लाइन है और जो कैपिलरी की जो लाइन है उसको काटना है। तो आप देख रहे हैं कि हम इसकी जो सक्शन लाइन है उसको काट रहे हैं जो फ्रीजर के अंदर जाती है, तो आपको इसको काटना है। और आप लोग हमारे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें हमारे चैनल को। और जो हमारी पुरानी वाली जो लाइन है इसको हम निकाल देंगे और ये हमारा जो ये पुराना वाला जो लाइन था उसको हमने निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम नया फ्रीजर जो हमने सीधा किया था अभी हम इसको लगाएंगे और ये जो प्लास्टिक होता है ये लॉक होता है तो हम यहाँ से इसको यहाँ से डालेंगे। ध्यान दें कि जो आगे इसका जो रास्ते हैं वो बंद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप टेप लगा लें पाइप में, क्योंकि आप यहां से डालेंगे तो इसमें कचड़ा ना चला जाए तो आप इसको ध्यान देना है। और इस प्रकार से आपको फ्रीजर के अंदर इसको लगाना है और ध्यान दें बिल्कुल यह हल्के हाथों से करना, क्योंकि हल्का सा भी ये मुड़ेगा तो ये पाइप बैंड हो जाएगा और बंद हो जाएगा, फिर ये आप सीधा नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमने हल्के हाथों से इसको लगा रहे हैं और हमारा जो सेंटर है ये सेंटर में इसको हमें लगा के देख लेंगे कि हाँ हमारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये हमारा पूरा तरीके से सेंटर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसे फ्रीजर में लगाने में। आप देख रहे हैं कि वीडियो में हमने किस प्रकार से इसे लगा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि फ्रीजर हमारा बिल्कुल सेटिंग पूरी प्रॉपर आ चुकी है और हमको इसी पे ही पेच वगैरह कसने हैं, लॉक पीछे वाले लॉक लगा के इसको पेच वगैरह हमें इसमें कसने हैं। उसके बाद हम ये फ्रीजर को हल्का सा निकाल लेंगे और ये जो पीछे इसका जो कवर होता है इसको हम लगा लेंगे। हमने नाप के देख लिया था कि ये पूरी तरीके से प्रॉपर आ चुका है सेटिंग वगैरह, तो हम इसका कवर पीछे से लगा लेंगे। इसमें जो लॉक होते हैं थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है लेकिन ये आ जाएगा। अगर हल्का फुल्का अगर खुले अगर नहीं सेटिंग हो तो आप अलग से इसमें पेच वगैरह लगा के इसे सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर लगाएँ क्योंकि जो इस पर जो ओरिजिनल था जो पहले वाला था वो इसमें आराम से लग गया था, लेकिन ये जो नया पीस है इसमें थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो आपको इसको थोड़ा सा घबराना नहीं है, इसको आराम से लगाना है, लग जाएगा ये। और आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से हमने लगा दिया है इसके अंदर, इस प्रकार से आपको भी लगाना है। और लगाने के बाद हम वापस से इसको फिर इसको फिक्स करेंगे इसके अंदर, इसके जो पीछे लॉक होते हैं उनको फंसाने के बाद। और आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से फ्रेम में पूरा फिट आ गया है। अब ये जो हमने फ्रेम है इसका फ्रेम, ये जो हमारी बेलो है ये हमेशा फ्रीजर के नीचे आपको लगाना है क्योंकि ये थर्मोस्टेट की बेलो होता है जो टेम्परेचर को मेनटेन करता है। तो इसको हमें ये जो इसका सीड बना हुआ है इस प्रकार से आपको लगाना है और इसको फ्रीजर के नीचे लगा के ऊपर से पेच लगा देंगे तो ये कस जाएगा। और आप देख रहे हैं हमने इसको लगाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे लगेगा ये। आपको देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ही लगेगा, बेलो जो होती है इसको यहाँ पे लगा के ऊपर से पेच लगा देंगे तो ये पूरी तरीके से कस जाएगा। और आपको देख रहे हैं कि ये यहाँ से ऐसे ही आपको लगाना है। अब पूरी तरीके से आप टाइट कर दें, बेलो जो हो वो फ्रीजर से चिपका हुआ होना चाहिए, अगर वो नहीं चिपका हुआ होगा तो ये काम नहीं करेगा। और फ्रेम जो है ऊपर वाला इसकी कैप है इसको यहाँ से लगाएंगे। और जो ये फ्रेम है ये फ्रेम थोड़ा जो पहले लगा था उस हिसाब से लगेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये लग जाएगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो थोड़ी प्रॉपर सेटिंग नहीं आएगा तो हल्का सा अगर लॉक वगैरह हल्का सा इसके जो फ्रेम है इसका तोड़ना पड़े तो आप उसे तोड़ लें, क्योंकि हल्का सा जब ये फ्रेम अगर आप तोड़ेंगे तभी ये लगेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है।
और आप देख रहे हैं कि हमारा ये फ्रेम फिट बैठ गया। तो हम हल्का हल्का ऊपर से पेच कसेंगे। इस प्रकार से आपको फ्रेम को अच्छे हाथ से बिठाना है, क्योंकि बहुत इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये फिट बैठ जाए लगाते ही। अगर नहीं बैठे तो आप इसमें चाइनीज़ पेच वगैरह या अलग से पेच लगा सकते हैं, लेकिन इसे फिक्स आपको मजबूती से करना है, क्योंकि जब इसमें कस्टमर इसके अंदर सामान रखेगा तो ये गिरना नहीं चाहिए। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें प्लीज़। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारा फ्रीजर जो है फिक्स हो गया है। और इसके बाद ये जो हमारी लॉक पीछे हमने जो बॉडी से तार वायर निकाल ओ सॉरी जो हमने पीछे से इसको निकाला है फ्रीजर की जो पाइप है, इसको हम यहाँ पे जो लॉक है इसको लॉक को खोलेंगे। और लॉक को खोलने के बाद इसको हल्का सा पुश कर देंगे, और पुश करने के बाद इसको दबा देंगे अंदर, तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आपको भी इसी प्रकार लगाना है करना है। और सो गैस, इसमें हम जो गैस चार्जिंग की वीडियो हम इसके अंदर वीडियो में हमारी आप चाहेंगे तो गैस चार्जिंग की वीडियो है, तो हम यहाँ पर आपको चार्जिंग की वीडियो नहीं बताएंगे गैस चार्जिंग की, लेकिन हमने आपको इसको बता दिया कि ये कैसे लगता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने इसके इंसुलेशन लगा दिया इसके अंदर, जिस प्रकार से हमने निकाला था उस प्रकार से आपको लगाना है। और आप देख रहे हैं कि ये हमने ये जो पेच लगाए थे ये चाइनीज़ पेच लगा रखे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठा है। आप देख रहे नीचे से खुला हुआ अभी है, आप ज़बरदस्ती ना करें, अगर ज़बरदस्ती करोगे तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और हमने यहाँ पे चाइनीज़ पेच लगा के इसको मजबूत कर दिया है कि हिलेगा नहीं, लेकिन फिनिशिंग भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 है दिक्कत प्रॉब्लम है, लेकिन ये अच्छे से हमने लगा दिया है। और उसके बाद ये इंसुलेशन जो हमने यहाँ पर लगा दिया था, और अब इसको हम बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ लगेगा। ये जो मोटी वाली जो लाइन है ये हमारा सक्शन लाइन में जाएगा, जो हमने लाइन काटी थी पहले, तो अब इसको वहाँ पे जॉइंट कर देंगे। और जो ये कैपलरी है ये हमारा ड्रायर में जाएगा, और इसके बाद हम गैस की प्रक्रिया जो भी इसके अंदर गैस डालते हैं उसको गैस डालेंगे। और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का कैप दिख रहे हैं ये लाइन जो हमने ये सक्शन लाइन काटी है इसमें जाएगी है। और इसके बाद हम यहाँ पर ये लॉक कर देंगे पाइप को, तक ये पाइप हिले ना, तो इस चीज़ को आप किसी चीज़ से बांध दें ताकि पाइप बिल्कुल टाइट रहे। अगर पाइप हल्का सा भी ढीला रहेगा तो कोई इसको छुए छाएगा तो हिलाएगा, तो ये गैस लीकेज की समस्या हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और ये जो कैपलरी है, कैपलरी हमारा ड्रायर के अंदर जाएगा, ये जो कैपलरी है ये निकल जाएगा, जो टुकड़ा बचा हुआ है इसमें चला जाएगा ये कैपलरी नीचे वाले सिरे में। और ये जो ये सक्शन लाइन आप देख रहे हैं कटा हुआ है, इसको हम ये जो ग्रीन वाला कैप है इसको ये यहाँ पे जाएगा, तो इसको हम ब्रेजिंग करके यहाँ ये गर्म करके निकाल देंगे। तो सो गाइस, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें हमारे चैनल को, और आप लोग हम जब लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो हम भी वीडियो बनाने में अच्छा, तो हम नई नई वीडियो आपके बारे में लेके आते रहेंगे। और ये हमारी चार्जिंग लाइन, इसको हम काट देंगे और यहाँ से हम गैस डालेंगे, कंप्रेसर है ये हमारा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।